दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमारे पास है ये हुंडई एलांट्रा। आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसका हेडलाइट, इसका ग्रिल, यहाँ पे क्रोम बहुत ही अच्छा दिखता है। हुंडई का लोगो, इसका बम्पर, यहाँ पे फॉग लाइट्स मिलेंगे। इधर भी क्रोम बहुत ही अच्छा दिखता है। ये दो वाइपर्स नॉजल्स इसके अंदर हैं। इसका साइड व्यू, ये है 16 इंच के अलावा रिम्स। ये मेरा यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलेंगे। क्रोम डोर हैंडल्स, इसके क्रोम डोर हैंडल्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। यहाँ से भरेंगे डीजल। इसका रियर व्यू, हुंडई का लोगो, एलांट्रा की बैजिंग, ये शानदार टेल लाइट, ये इंडिकेटर, ये रिवर्स लाइट, ये नंबर प्लेट की लाइट है इधर। यहाँ पे बूट भी ओपन कर सकते हैं। रियर पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स, टोइंग हुक, सिंगल एग्जॉस्ट पाइप, डोर्स अभी अनलॉक्ड हैं, बस ये बटन दबाओ लॉक हो जाएंगे। उसके बाद फिर से दबाओ अनलॉक हो जाएंगे। ये इसका इंटीरियर है। ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये ऑडियो के कंट्रोल्स हैं, ये फ़ोन कॉल के कंट्रोल्स हैं, ये ट्रिप और रीसेट, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स, ये वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे डिजिटल क्लॉक, ये आवर्स और ये मिनट्स सेट करने के लिए, ये इसका ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम, ये एसी वेंट, इधर दो डमी बटन्स, ये इंजन स्टार्ट करने के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ये हेडलाइट का राइजर, ये मिरर एडजस्टमेंट्स, फोल्डेबल मिरर्स हैं, इधर भी एक एसी वेंट, ये डिसेंट साइज ग्लो बॉक्स, यहाँ पे एक स्टोरेज, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, ये फ्यूज बॉक्स इसका, इधर भी स्टोरेज, इधर भी दो एसी वेंट्स हैं, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, ये सनग्लास होल्डर, रीडिंग लाइट, यहाँ पे भी एक मिरर और एक लाइट, इधर भी एक मिरर और एक लाइट, हुक, दो कभी होल्ड, इधर इधर भी एक और स्टोरेज, ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सिगरेट लाइटर पावर आउटलेट, ये ऑक्स और USB, इधर भी एक स्टोरेज, ये AC कंट्रोल्स हैं, ये फैन स्पीड, एयर कंडीशनिंग, रियल डिफॉगर, टेम्परेचर, पैसेंजर साइड के लिए इधर है, ये ड्राइवर साइड के लिए, ये फ्रंट डिफॉगर, हैजर्ड लाइट स्विच, इधर भी एक और स्टोरेज है, और 3 पेडल्स, वहाँ पे एक डेक पेडल है, ये स्पीकर, ये ट्विटर,
ये CRDI की बैजिंग, लेकिन आई नीचे गिर चुका है तो ये CRDA है। ये इसका CRDI 16 वाल्व इंजन है। ये ऑयल डालने के लिए, ये वाइपर फ्लूइड, ये कूलेंट डालने के लिए, ये बैटरी इसका, ये फिल्टर बॉक्स इसका, ये रेडिएटर में पानी डालने के लिए। ऐसे नहीं खोलना चाहिए जब गर्म है तो प्रेशर बढ़ेगा मुंह पे। ये इंजन ऑयल गॉज दिखाने के लिए। ये सीट्स मैनुअल है, ये सीट पीछे करने के लिए, ये सीट हाइट करने के लिए, ये सीट स्लाइड करने के लिए। इसके अंदर में क्रोम डोर हैंडल्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल स्कोडा की तरह। पीछे भी बैठने में अच्छा फील होता है। ये दो स्पीकर्स, पीछे दो एसी वेंट्स हैं। ये सीट के पीछे पॉकेट मिलेगा, पीछे भी स्टोरेज है। ये आर्मरेस्ट, इधर भी ऑडियो कंट्रोल्स हैं, ये पावर, इधर भी एक स्टोरेज है। यहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट, वाइट है ये तो। हुक हैंडल इधर भी। ये इसका डिक्की का स्टोरेज है, डिसेंट स्टोरेज है पीछे। ये स्पेयर व्हील टूल किट के साथ, टायर साइज भी सेम है। ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। पहली जनरेशन वाली एलांट्रा थी, वो पुरानी टाइप की थी, बिल्कुल एक्सेंट की तरह, वो उतनी भी अच्छी नहीं दिखी। तो गाइस, आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।